हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। जो लोग मेरे चैनल के लिए नए हैं, उन सब के लिए मेरी इंट्रोडक्शन। आई एम प्रिया मेहता फ्रॉम मुंबई, और मैं हमेशा अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस, अपने लाइफ को बेटर बनाने के हर वो तरीका जो मैं यूज़ करती हूँ अपने आप को हर दिन बेहतर बनाने के लिए, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जितना ही हूँ, एनर्जी साइंस, एनर्जी हीलिंग को जितना भी कर पाती हूँ, उन सबको सबके साथ शेयर करती हूँ। एनीवेज, आज का टॉपिक स्टार्ट करती हूँ मैं। यूनिवर्स कैसे हमें रिप्लाई करता है, उसका एक आसान सा वर्जन मुझे है, या मेरे माइंड में आज एक आइडिया की तरह क्लिक किया है, तो मुझे लगा मैं आप लोगों से शेयर करूं, ताकि आप लोगों को भी वो समझना आसान हो जाए। अगर आप वो समझ जाओगे तो आपको इम्प्लीमेंट करना बड़ा आसान हो जाए। यूनिवर्स इस नियम को लेके हमारे लिए एक बहुत बड़ा, एक बहुत विशाल मिरर है। तो जो मेरे अंदर की भावनाएं हैं, या जो मेरे अंदर का सिस्टम है, या जो मेरे अंदर का बिलीफ सिस्टम है, जो मैं फील कर रही हूँ, या जो मैं चाह रही हूँ, या जो मैं सोच रही हूँ, या जो मेरी इंटेंशन मेरे अंदर चल रही है, जो सेल्फ टॉकिंग मेरे अंदर चल रही है, वो मुझे मेरी ज़िंदगी की रियलिटी में सामने दिख रही है, या मैं उसको, उस रियलिटी को मैं जी रही हूँ। आप समझ रहे हो बात? मैं ऊपर से आपको मीठा बोल रही हूँ, मिरर में तो लिप सिंक दिख रहा है ना, मिरर में थोड़ी आवाज़ सुनाई दे रही है, कि मिरर में मेरी आवाज़ ही मिरर होकर वापस आ रही है, ऐसा नहीं होता ना, सिर्फ इमेज दिख रही है। लेकिन जो यूनिवर्स का मिरर है, इसमें आपके अंदर जो चल रहा है, या जो आप महसूस, आपके अंदर की जो स्थिति है, वो विचारों में कन्फ्यूजन है, वो विचारों में डर है, वो इमोशंस में दर्द है, वो क्या है जो अंदर है, वही आपकी रियल लाइफ में आपकी रियलिटी बन के आपके सामने आ रही है। आपकी रियलिटी बन के, आपके इवेंट्स बन के, वैसे लोगों का आपकी रियलिटी में आना, आपकी ज़िंदगी में आना, या वैसे सिचुएशंस का आपकी ज़िंदगी में आ जाना, वो कैसे आती हैं समझ जाओ। वो एक मिरर इवेंट है, वो मिरर्ड इफेक्ट है, वो मिरर्ड लाइफ है, क्योंकि वो मिरर की हुई लाइफ है। जो मेरे अंदर था वही बाहर मुझे मिल रहा है। सो जब जब मैं किसी भी इवेंट को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहती हूँ, तो उस इवेंट को लेके मेरी फीलिंग्स क्या हैं मुझे उनको चेक करना है, मेरे थॉट्स क्या हैं मुझे उनको चेक करना है, मेरे फियर्स क्या हैं मुझे उनको चेक करना है, और मुझे उनको बेसिकली ठीक करना है। सो मुझे मिरर में क्या देखना है, मुझे मिरर में देखना है माई ड्रीम बॉयफ्रेंड, माई ड्रीम हस्बैंड। मैं अगर मिरर में खड़ी हूँ उसके साथ, तो वो मुझे दिखना चाहिए, इज अ हैंडसम मैन। तो आपने उसके लिए क्या अंदर फीलिंग रखी, कि फिजिकली वो हैंडसम है। फिर आपको मिरर में क्या देखना है, कि हम दोनों शॉपिंग पे जा रहे हैं, तो ही इज़ पेइंग फॉर मी, तो ही इज़ अ प्रॉस्परस मैन, ही इज़ अ रिच मैन, वो उसकी अर्निंग अच्छी है, या वो फिनेंशियली स्टेबल है। तो मैंने वो फीलिंग फील करी इमेजिनेशन में, विजुअलाइजेशन में, या आपने आपको फील किया कि द मैन ऑफ माई ड्रीम जो मेरे साथ अभी है, जिसके साथ मैं हैंड इन हैंड घूम रही हूँ, he is a self sufficient man, he is a prosperous man, he is a rich man, he can manage the finances for me and him as well, fine। फिर मुझे क्या चाहिए उसके लिए, वो बहुत loving और caring हो, या वो मुझे समझे। So imagine, या mirror में क्या दिखना चाहिए, mirror में ये दिखना चाहिए, मेरी life के mirror में ये दिखना चाहिए, कि जो मेरा dream man है, वो जब मैं परेशान होती हूँ, तो he is standing beside me, he takes care of me, वो मेरे को समझ रहा है, वो मेरे साथ है, वो मुझे हक देता है, वो अपना टाइम निकाल के मेरे साथ बैठता है, मुझे समझता है। आप समझ रहे हो डिटेल्स। जैसे मिरर में मैं तैयार होके बैठी थी, तो मेरा काजल भी मिरर में दिख रहा है, मैंने आईब्रोज अच्छे से किए हैं कि नहीं किए वो भी दिख रहा है, मेरा हेयर कट परफेक्ट है कि नहीं है वो भी दिख रहा है, मेरे कपड़े आयर्न्ड हैं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, फटा हुआ तो नहीं है, वो भी दिख रहा है। सो अगर इसका मतलब क्या है, कि जो मैं हूँ वो मिरर में डिटेल में दिखेगा। हम जब तैयार होके शादी में कहीं तैयार होके जाते हैं, हम हर डिटेल चेक करते हैं, अपनी इयररिंग्स सेट हैं प्रॉपर, मैच कर रहा है मेरे के साथ, मेरी बैंगल मैच कर रही है, मेरे क्लोथ्स आयर्न्ड हैं, कुछ फटा हुआ तो नहीं है, फिटिंग अच्छी है, बाल ठीक है, मेकअप अच्छा है, कितनी डिटेल्स में अपने आप को चेक करते हैं। सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल टिप। जो लाइफ में चाहिए उसकी डिटेलिंग्स इमेजिन कर लो, उसकी डिटेलिंग को फील कर लो, उसकी डिटेलिंग्स को जी लो। तो ये सब एक्टिविटी करने में आपके अंदर का जो वर्क हो रहा है, जो आप अंदर से फील कर रहे हो, उसके साथ उसका साथ, उसका हाथ पकड़ के फील करें, तो यू आर वॉकिंग हैंड इन हैंड विद योर लव्ड वन। तो उसके हाथ का फील सॉफ्ट है कि हार्ड है, उसने कस के पकड़ा है कि उसने प्यार से पकड़ा है,
वो फील, आप रोज इवनिंग वॉक करते हो वो फील, गो फॉर ड्राइव तो वो गाड़ी में बैठने का फील, उसके साथ उसको देखने का फील कि वो कार चला रहा है, हाउ डज ही लुक लाइक फ्रॉम साइड जब वो कार चलाता है, वो चलाते हुए मुझसे कैसे बात करता है, वो चलाते हुए मुझे कैसे देखता है। फिर हम इकट्ठे घर आते हैं तो वो कैसे कैसा बिहेव करता है, जब वो घर आता है तो मेरे साथ वो हेल्प कराता है कि चलो मिलके खाना बनाते हैं। सो जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, जो भी आपका रिलेशनशिप जब इमेजिन कर रहे हो अपने बंदे के साथ, वो रिलेशनशिप को आपने जीना है पॉइंट वाइज। सो इस चीज़ को अगर आप समझोगे तो यू विल फील वेरी लाइट, और मेरे ख्याल से अब इस लॉ के थ्रू अपने डिज़ायर्ड लाइफ को रिसीव करना या अपने डिज़ायर्ड लाइफ में डिज़ायर्ड रिजल्ट्स, डिज़ायर्ड इवेंट्स, डिज़ायर्ड लोगों को अट्रैक्ट करना मुझे लगता है आसान हो जाएगा, क्योंकि ये इतना इजी समझना है, ये इसको बहुत इट्स वेरी नाउ यू कैन मेक इट। आप कुछ भी एक्शन करोगे ना तो आपको लगेगा ओह माय गॉड मिरर में मेरा सीन ख़राब हो रहा है, मुझे सीन को ठीक करना है। सो लेट मी नॉट थिंक दैट वे, लेट मी थिंक दिस वे, लेट मी लुक दिस वे, मैं ऐसा दिखूंगी। सो जब आप मिरर में जाते हो आप डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस ट्राई करते हो, यू चेक योर बॉडी टाइप, मेरी बॉडी टाइप में स्कर्ट सूट कर लिया, जीन्स सूट कर लिया, ट्राउजर सूट कर लिया, यू जस्ट चेक योर सेल्फ। ऐसे ही अब वो डिज़ायर्ड मैन ऑफ या वुमेन ऑफ माई लाइफ जिसको मुझे अट्रैक्ट करना है, वो मैं अगर 5'4" की हूँ तो उसकी हाइट क्या है। सो जब मैं उससे बात कर रही हूँ तो मैं ऐसे बात करूँगी ना, हाई कैसे हुआ, क्योंकि वो लंबे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? सो जिस बारीकी में हम अपने आप को मिरर में देखेंगे तैयार होने के बाद, उसी बारीक लेवल पे, उसी माइन्यूट लेवल पे हमने अपने होने वाले हस्बैंड या अपने होने वाले बॉयफ्रेंड, अपने होने वाली गर्लफ्रेंड को देखना है, इमेजिनेशन में डिटेल्स देखनी है। व्हेन आई होल्ड हिज हैंड तो उसकी इस वाली फिंगर में रिंग मैं टच कर पाती हूँ, वो रिंग पहनता है या नहीं पहनता है, इस कड़ा पहनता है कि नहीं पहनता है। वो मेरे साथ जब होता है तो डेनिम्स में और टी शर्ट्स में होता है कि फॉर्मल्स में होता है, गाड़ी में कैसे बैठता है, हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो हाउ डज ही ट्रीट मी, हाउ डज ही ट्रीट द अदर पीपल, हाउ डज ही ट्रीट द वेटर, उसे क्या खाना पसंद है, हर बार वो कॉफ़ी मंगवाता है या सिर्फ चाइनीज़ मंगवाता है, समझ रहे हो। हर खाना खाने के बाद हाउ डज ही सिट व्हेन ही ईट्स, और खाना खाते खाते मेरे से कैसे बात करता है, आई टू आई कॉन्टैक्ट देता है नहीं देता है, उसकी स्माइल बहुत अच्छी है, हाँ इसकी टीथ कितने स्पार्कलिंग है, उसकी स्माइल कितनी क्यूट है, यहाँ कितना लविंग बनता है, उसकी आईज में कितना चार्म है, ओ माई गॉड उसने आज शेव नहीं करी है तो ऐसा लगता है, आज कल उसने शेव करी थी तो कैसा लग रहा था। आप समझ रहे हो डिटेल इमेजिनिंग ऑफ लिविंग द मोमेंट्स विद हिम, समझ रहे हो। और जो आपको और मैंने आइडियाज़ दिए थे कि सोलमेट को अट्रैक्ट करने के लिए या अपने होने वाले हस्बैंड वाइफ को अट्रैक्ट करने के लिए और एक्टिविटीज़ हैं अपने आप को, यू वॉच द डिज़ायर्ड कपल्स जिनको अपने अपने लाइफ में आपके नोन सर्कल में एक कपल है, हाउ डू दे लिव, हाउ डू दे ट्रीट ईच अदर, बिकॉज अभी हम मैरिड नहीं हो आप तो इसलिए आपको नहीं पता कि और कौन से ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मोमेंट्स होते हैं जिसमें आप लोग लड़ाई भी करते हो, आप लोग एक टेंशन के माहौल में भी आपने नाइट स्पेंड करी है, रो के भी उठे हो, कोई फिनेंशियल स्ट्रेस था, फैमिली स्ट्रेस था, उसमें आप दोनों कैसे डील करते हो। सो वो चीज़ें आप लाइव कपल्स के थ्रू भी आप चेक कर सकते हो, एंड देन यू स्टार्ट इमेजिनिंग दोज मोमेंट्स। इमेजिन करो कि आप मिरर के सामने बैठ जाओ एंड देन यू इमेजिन योर मोमेंट्स कि ही सिटिंग विद मी, कुछ क्राइसिस घर में आ गया है, बट हाउ नाइस ऑफ हिम ही डिडंट रिएक्टेड, हाउ नाइस ऑफ हिम कि उसने मुझसे प्यार से बात करी, हाउ नाइस ऑफ हिम कि उसने मुझे पूछा कि प्रिया आपका क्या विचार है इस टॉपिक पे, इस इवेंट पे। सो ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव, ही इज़ वेरी इंटरैक्टिव, वो मेरे से बात करता है, मुझे हर इवेंट में, घर के हर काम में मुझे अपना हिस्सा समझता है। गेटिंग, आप समझ रहे हो, हर डिटेल में जाने का है। सो आप चाहो तो यू मेक अ लिस्ट ऑफ लाइफ इवेंट्स, एक पर्टिकुलर लाइफ के इवेंट्स में क्या क्या इवेंट होते हैं वो सब लिखो, और उसमें हर बार मिरर के सामने बैठो और इमेजिन करो ही सिटिंग नेक्स्ट टू यू। तो आज हमारी सुबह लड़ाई हो गई थी बट अब हम दोपहर को लंच पे मिले हैं, सो हाउ इज ही रिएक्टिंग, इज ही अपोलोजाइजिंग, या वो मुँह से नहीं बोल रहा सॉरी बट उसके जेस्चर्स बता रहे हैं कि वो सॉरी है, या वो शाय है, या वो मेरे से आँख नहीं मिला पा रहा है बट ही हैज़ डन समथिंग नाइस फॉर मी जस्ट टू बी अपोलोजाइज। उसने मुँह से सॉरी नहीं बोला बट उसने मेरे लिए कुछ अच्छा जेस्चर किया, कोई गिफ्ट ले आया, या मुझे हंसा दिया, कोई जोक दे दिया, या आज ऑफिस छोड़ के मेरे पास आके बैठ गया। ये सारी स्मॉल स्मॉल चीज़ों को फील करना है, लिस्ट ऑफ इवेंट्स ऑफ लाइफ लिखो, उसमें हर मोमेंट को फील करो, उस बंदे का रिएक्शन देखो एंड अपना रिएक्शन भी साथ में देखो, तो वो आप लाइफ
कैसी जी रही है उसके साथ, आपका जिंदगी का जो अब का वॉइड है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है अभी लाइफ की, वो आपने मिरर में इमेजिन करो कि ये बंदा मेरे साथ है, मेरी अब ब्लैंक्स ब्लैंक्स नहीं है, मेरी लाइफ कंप्लीट है, दिस इज़ हाउ ही इज़। हर उस इवेंट, हर उस मोमेंट को जीना शुरू करो उसके साथ। डिटेलिंग्स में जाओ, उसके नेल्स कैसे हैं, छोटे हैं बड़े हैं, कितना गोरा है, हाउ डज ही मेंटेन हिज फिजिक्स, क्या वो जिम जा रहा है या हम दोनों मिलके जिम जाते हैं, जिम में दिस हाउ ही इज़ फ्रेंडली विद एवरीबडी, दिस हाउ ही वर्कआउट, ये उसकी शोल्डर्स हैं, दिस ये कलर्स वो पहनता है, ये आइसक्रीम उसे पसंद है, ये कॉफ़ी उसे पसंद है, सो मैनी डिटेल्स, कीप गोइंग इन द डिटेल। जितना इमेजिन करोगे डिटेल में, जितना उसको फील करोगे, इमेजिन इट्स अ मिरर, मैं जो फीलिंग्स एंड जो इमोशंस एंड जो प्रेजेंटेशन मैं किसी भी इवेंट और इंसान की प्रेजेंटेशन अंदर से दूंगी, वही रियलिटी में मेरी लाइफ में आएगा। आई होप आई कुड मेक इट ईजी, बिकॉज ये मुझे आज मॉर्निंग में ही क्लिक हुआ कि वाओ, एक्चुअली वॉट एवर इज हैपनिंग इनसाइड अस और वॉट एवर लाइफ इज शोइंग मी इज द मिरर ऑफ माई इनर वर्क। जो मेरा इनर वर्किंग चलती है, थॉट्स को लेके, इमोशंस को लेके, बिलीव्स को लेके, फियर्स को लेके, हैप्पीनेस को लेके, जो भी अंदर मेरा चल रहा है, जो भी एक स्कीम, जो भी एक पैटर्न मेरे अंदर चल रहा है, बेसिकली वही पैटर्न मेरी लाइफ में बाहर मुझे दिख रहा है और वही मैं जी रही हूँ। तो अगर मुझे बाहर का पैटर्न चेंज करना है तो मुझे अंदर का पैटर्न चेंज करना है। तो अंदर का पैटर्न चेंज करने के लिए बहुत सारे टूल्स मैंने शेयर करे हैं, इट कैन बी एफर्मेशंस, म्यूजिक, मूवीज, उससे कंसर्न इमेजिनेशन, स्क्रिप्टिंग, लिखना अपना आइडियल हस्बैंड क्या होगा, उसकी सारी क्वालिटीज़ लिखो, वो तो आपको कैसे मिलेगा वो लिखो, एनी कोई भी फिल्मी स्टाइल इवेंट आपको चाहिए अपने लाइफ में, उसको फील करो उस बंदे के साथ और वो लिख डालो, उसे लिखो, रोज़ लिखो, रोज़ इमेजिन करो, इट्स अ मिरर, वॉट एवर यू विल शो द मिरर विल शो यू इन योर लाइफ, इट इज़ दैट सिंपल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, हमेशा की तरह मुझे बहुत प्यार देते हो, बहुत सारे आपके ईमेल्स आते हैं, आई एम रियली 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 हैप्पी एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड कि शायद मेरे एक्सपीरियंसेस से आई कैन हेल्प समबडी। Thank you so much. God bless you. I love you all. See you soon with something new. Thank you. Bye-bye.